हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वॉइस का जादू, है ना। ऐसे अखियों से गोली मारेंगे हम लोग, ठीक है। वो वॉइस जिससे हर एक स्टूडेंट डरता है, फॉर्मूले याद करता है, कई सारे फॉर्मूले रटता है, कॉपियाँ भरता है, वो कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, आसान उसे बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने केवल लेके आया हूँ 5 क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को हम लोग केवल 5 सेकंड के अंदर में करेंगे हर एक क्वेश्चन को, है ना। 5 सेकंड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना टाइम भी नहीं लगेगा, चिंता मत करिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा, देखिए जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना, तो आप वॉइस को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि विल विल, और विल तो कहीं नहीं आ रहा है, हो गया सॉल्व, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में विल विल, और विल तो नहीं आ रहा है, हो गया सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन, बोले सर ये क्या मजाक कर रहे हो, बस वही तो बात है, इंग्लिश का मजाक बनाना है ना, डर को दूर भगाना है। तीसरा क्वेश्चन, कैन कैन, और अच्छा ऐसा भी नहीं कि ये क्वेश्चन मैं बना के ले आया, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, जो कि ऐसे कैसे ही मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं। ये कैसे आया वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा इंतज़ार करो। इसके बाद आप देखिए, आर आर खत्म। अगला क्वेश्चन, हेज 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 या हेव, है ना, हेज या हेव, और ख़त्म, टाटा बाय बाय। चलिए देखते हैं हुआ कैसे, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये एक 10 मिनट का वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक शानदार ट्रिक आपको बताएंगे। वॉइस का फॉर्मूला कभी ज़िंदगी में याद नहीं करना, बस ये याद रखना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में, एक फॉर्म आई आपके पास में विल, और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। या तो आपको कोई ऐसी फॉर्म मिलेगी, या फिर आपको कोई ऐसी फॉर्म मिलेगी इज प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, या फिर आपको मिलेगा हेज प्लस थर्ड फॉर्म। अब एक शानदार तरीका बताता हूँ आपको, शानदार ट्रिक बताता हूँ। जब आपके पास कोई भी एक्टिव आएगा, तो उसमें यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे विल होगा, इज होगा, हैज होगा, और पीछे या तो आपके पास फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर आईएनजी होगा, या थर्ड फॉर्म होगा। इन तीनों के अलावा ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, बस सब हो जाएगा। ये अभी मैंने जो यूं यूं करी ना, ऐसे आप भी कर दोगे हर क्वेश्चन को। देखो, अब यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको आपको सेम सेम लेना है, जैसे कि विल, बराबर। यहाँ अगर आपको फर्स्ट फॉर्म दिखे तो आपको इसको बी में कन्वर्ट करना है, तो बी लगाना है। जैसे यहाँ इज लिखा तो आपने भी इज से इज कॉपी कर दिया। यहाँ आईएनजी है तो आपको करना है बींग। फिर हेज था तो हेज हेज या हैव, ध्यान रखना। जैसे इज है तो इज एम आर, है ना, विल है तो विल शेल, ऐसे। और हेज है तो आपने हेज लिया, और थर्ड फॉर्म था इसलिए बी की थर्ड फॉर्म बीन कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी एक्टिव की पैसिव फॉर्म आराम से बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ समझ आई आपको, कि अगर एक्टिव में विल है तो पैसिव में भी विल ही जा रहा है, अगर एक्टिव में इज एम आर है तो पैसिव में इज एम आर जा रहा है, अगर एक्टिव में हेज है तो पैसिव में हेज हो जा रहा है। इस हिसाब से अगर एक्टिव में कैन होगा तो पैसिव में भी कैन ही जाएगा क्या, हाँ कैन ही तो जाएगा। अगर एक्टिव में मे हुआ तो पैसिव में भी मे जाएगा, जब नहीं तो क्या, कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए जैसे मैंने एग्जाम में जाता हूँ, और अगर मेरे सामने पैसिव का क्वेश्चन आता है, तो मैं तो हूँ होशियार आदमी, है ना, मैं हार्ड वर्क नहीं करता, मैं स्मार्ट वर्क करता, मुझे पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ देखना है क्या आया है भैया विल, अब मैं ढूंढने निकल जाऊँगा विल को, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक्टिव में विल होगा तो डेफिनेटली पैसिव विल वाला ही होगा। तो मैंने देखा कुड हटाओ, कैन हटाओ, शुड हटाओ, विल लगाओ, और ये देखो फर्स्ट फॉर्म था इसलिए बी आ गया, और मीट की थर्ड फॉर्म, इन सब के साथ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, ऐसे ही मैं आपको पूरा वॉइस, पूरा नरेशन, पूरा टेंस करवा दूंगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। देखो
समझने के ऊपर और समझाने के ऊपर इंग्लिश डिपेंड करती है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है सर इंग्लिश नहीं आती, क्या नहीं आती इंग्लिश, तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक होते हैं इसमें, है ना, प्रीपोजिशन, मॉडल, आर्टिकल, जिनको पढ़ने में मज़ा आता है। आपने मेरा एक पहला वीडियो देखा होगा आर्टिकल का, है नहीं देखा हो तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा आर्टिकल क्या होता है, मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जैसे ही मेरे सामने आया तो मैंने बोला कि विल, ये देखिए वापस से इसमें विल आया, तो मुझे पता है कि अगर एक्टिव में विल है तो पैसिव भी विल वाला ही होगा, तो मैंने ढूंढा कहाँ विल, ये रहा विल यहाँ, तो चलो ये एक्सेप्ट था इसलिए बी आ गया और ये एक्सेप्टेड थर्ड फॉर्म आ गया, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोलो बात समझ में आई? देखो मैं इनको इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ आपको इसे, है ना, यहाँ पे हेलो गाइस दिस इज एक्टिव वॉइस एंड दिस इज पैसिव वॉइस, वहाँ बैठे बैठे तुम हैं, मेरे को यहाँ ये नहीं बताना है कि मेरे को इंग्लिश बोलते आती है, मेरे को आपका सिलेक्शन करवाना है, आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाना है, तो उसके लिए मुझे आपकी ही लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप अच्छे से समझ पाओ उसमें समझाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन आया, तीसरे क्वेश्चन में मेरे पास क्या आया, मैंने देखा कैन, तो अगर एक्टिव में कैन है, और हाँ एक और सबसे बड़ी बात, ये एक्टिव नहीं है, ये तो पैसिव है, देखो आप, तो चाहे एक्टिव हो या पैसिव, एक्टिव से पैसिव में जाओगे तो भी कैन ही मिलेगा, पैसिव से एक्टिव में आओगे तो भी कैन ही मिलेगा, इसका मतलब कि कैन से कैन, और ये बी हर थर्ड फॉर्म रिवर्स में आएगा तो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। ये मेरे को पता भी नहीं था अभी तो कि ये एक्टिव है कि पैसिव, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो 100% सही होना था क्योंकि मुझे तो कैन से कैन ही लगाना था। और आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन मैंने देखा जिसमें मेरे पास आया कौन, आर, क्या आया, आर, है ना। अब देखो अगर आर आया मेरे पास तो मुझे वापस से पता है कि अगर एक्टिव में आर होगा तो पैसिव में इज एम आर होगा, तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हैव हैव आर हैव, तो हैव हैव तो चाहिए ही नहीं अपने को, आर ये हो गया, और देखो यहाँ पे ये पैसिव था जबकि मैंने तो अभी देखा यहाँ पैसिव, मैं कभी भी एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन करता हूँ तो क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ता हूँ, मैं केवल हेल्पिंग वर्ब देख लेता हूँ। अब मैंने देखा यहाँ बींग थर्ड फॉर्म में, मतलब ये पैसिव है और ये पैसिव है तो इसके रिवर्स में एक्टिव बनेगा, ये बनेगा, ये तो आप पूरा पढ़ोगे ना बेसिक से तो आपको मज़ा आएगा। ये हो सकता है अभी आपको मैंने जैसे क्वेश्चन ले लिए तो समझ में थोड़ा कम आ रहा हो, पर एक बार जब आप बेसिक से करेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा ज़िंदगी का, ठीक है। और देखो आप लाइफ टाइम सेव हो जाएगा ये आपके दिमाग में अंतिम सांस तक। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया मेरे सामने और मैंने यहाँ पे देखा हैज और मैंने जाके लगा दिया हैज, अब इसमें हैज नहीं है तो आप बोलोगे सर अब तो हैज क्या का भाई हैव, अब ये हैव कैसे हुआ वो भी ध्यान रखना। आपको पता है एक्टिव पैसिव में पीछे वाला आगे आता है, पीछे वाला यू जब आगे आता है तो ये यू के साथ में हैव लेता है, हैज वैसे भी नहीं आता तो भी नहीं लेते अपन। बोलो बात समझ में आई? तो ये इस प्रकार से आपके हो जाते हैं एक्टिव पैसिव, और इसी तरीके से शानदार ट्रिक से मैं आपको एक्टिव पैसिव भी कराऊंगा, नरेशन भी करवाएंगे, आपको टेंस भी करवाएंगे, है ना, बहुत इजी वे में हो जाएगा, आपको मतलब लगेगा कि वास्तव में एक एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की एक शॉर्ट ट्रिक आज मैं बताना चाह रहा था आपको। इसके अलावा अगर आप वास्तव में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से समय से करिए, आपको लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और बिल्कुल देसी तरीके से आपको उसमें इंग्लिश सिखा रखी है, है ना, जिस लैंग्वेज में आप आसानी से समझ सकें ऐसी लैंग्वेज में। तो इसके लिए आपके एमपीटेट ग्रेड 1-2 का कोर्स, इसके अलावा छत्तीसगढ़ अंग्रेजी व्याख्याता का कोर्स, जो कि सभी अधिकतर लोग अभी जो है आपकी वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी इनरोल हैं, बहुत सारे इसमें भी हैं, और इसके अलावा एमपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कोई अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 799 में आपको शानदार कोर्स मिल जाएगा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। तो आप इस कोर्स में पूरी इंग्लिश शॉर्ट ट्रिक के तरीके से आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर किसी को कुछ जानकारी लेना है तो वो इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9997651282, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।